तैयार कर लिया। ओहो ये तो खतरनाक है भाई, तैयार कर लिया। ओहो ये तो खतरनाक है भाई। पाइप के नीचे ये देखिए किस कितने लंबा है सांप और फन वाला कोबरा फनियर, और किस प्रकार से स्पीड जो है आपको यहाँ नज़र आती हुई और आता हुआ ये कोबरा, और धीरे धीरे पाइप के नीचे नीचे ये फन तैयार कर लिया। ओहो ये तो खतरनाक है भाई, हैं ये तो खतरनाक है भाई, ये तो सतीश इसको ये इसको पकड़ो 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 पकड़ो। अभी देखिए पानी में इसको डाल दिया गया, इसके गुस्से को जो है ठंडा करने की कोशिश करी जाएगी। सतीश को बाइट करने की कोशिश की, सतीश काफी बाइट करने जबरदस्त वार कर जी, मैं तो एकदम से घोड़ी की तरह पैर उठा लिया मैंने तो, नहीं तो कमाल कर दिया था आज तो इसने। कितनी गर्मी, है ना, गर्मी में चिड़चिड़े हो जाए, गर्मी में इनकी फुर्ती बढ़ जाए, तो इस वजह से अब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और ये गर्मी से भी बचेगा, इसको भी फायदा है और मेरे को तो फायदा ही है, अपने आप को तो बचाना ही है। तो देखिए कितना जोखिम का काम होता है कोबरा को पकड़ना, और कॉमन क्रेट और फनियर ये कोबरा, अब इसको पानी में आराम से ठंडा किया जाएगा कि गुस्से से पानी के अंदर भी जो है फन फैलाए हुए। और सतीश अभी तो रुक जाओ इसको, है देखिए किस प्रकार से पानी के अंदर भी ये फन फैलाए हुए है, और काफ़ी फुर्ती है, आक्रामक है। और बताना चाहूँगा किस तरीके से ये अभी पाइप के नीचे नीचे से जैसे ही आ रहा था सतीश को काटने की कोशिश की। और इस प्रकार के सांप कितनी दूरी तक वार कर सकते हैं सतीश? इसके तो फुर्ती बहुत है जी, 3-4 फीट तक। यो तो भाई में चले जाओ, यो तो इस टाइम भी पूरा जोर मार रहे हैं। अभी तो इसको थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो तब इसको पकड़ेंगे, वरना तो ये काट जाएगा, ये पता नहीं चलेगा, इसका मुंह एकदम पीछे भी पलट सका ये, और कितना चपटा हो गया, कितना चौड़ा हो गया, देख चौड़ाई 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 नजर आ रही है। तैरने के लिए तैरना लग रहा है ना इस टाइम। हाँ ये तभी तो, और गर्मी भी तो बहुत है, उमस कितनी है, आदमी को गर्मी लगे तो फिर इसको भी गर्मी लगे, और गर्मी की वजह से तो फिर ये काट ही लेगा और काबू भी नहीं आने का, लटके झटके इतने होंगे। पानी में कितनी सफाई से तैरता हो या कोबरा पहली बार जो है यहाँ नज़र आया है, और देखिए किस तरीके से अपने शरीर को फैला लिया और बिल्कुल आराम से जो है तैर रहा है। सतीश कहते हैं पानी में कम रहता है, लेकिन कितने समय तक पानी में रह सकता है जी? अगर आपके घर में सांप घुस गया है और आपने सांप ढूंढना है आजकल की गर्मी में मई जून के महीने में, तो जितनी भी जगह पानी है पानी उठा दो और एक टब में तसले में पानी भरकर रख दो, 24 घंटे के अंदर सांप वहाँ पक्का आएगा। आजकल हमें कॉल आ रहे हैं बाथरूम से, टॉयलेट सीट के पास कोई सांप है, फिर या कपड़े धो रहे थे, वॉशिंग मशीन के पास सांप है, ये नमी प्राप्त करने के लिए सांप आते हैं। और कुछ सांप तो रात को निकलते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो जहाँ आपने पानी रखा है तो उसके चारों तरफ रेत बिछा दें या फिर राख मसल के बिछा दें, तो उसको ऊपर आपको सांप की लकीरें नज़र आएंगी। देखिए आराम से पानी में तैरता हुआ, पानी की टंकी में तैरता हुआ ये कोबरा, प्रथम बार जो इस प्रकार से तस्वीरें नज़र आई है, और आराम से अपने शरीर को जो है चपटा किए हुए है, आराम से तैर रहा है, ठंडा करने की इसको कोशिश यहाँ की जा रही है ताकि गुस्से से शरीर को फुला लिया है पूर्ण तरीके से। और देखिए फुलाता हुआ अपने शरीर को, हवा भरता हुआ अंदर, और आराम से बिल्कुल पानी के ऊपर ये तैरता हुआ, गुस्से में है काफ़ी। अब इसको काबू किया जाएगा सतीश के द्वारा, लेकिन खतरनाक है सतीश, खतरनाक है ये सांप, गुस्से में ज़्यादा है, पानी के ऊपर तैरता हुआ। दूर हो जाओ भाई, ढाबे के अंदर काट गया था मोना गाँव में, और फिर वो कह रहे थे भाई वो सांप था कोबरा था, और लड़के की 45 मिनट में डेथ हो गई थी जिसको काटा था, तो मैंने कहा था भाई जहाँ भी पानी है ना पानी उठा दो। तो फिर अगले दिन एक ड्राइवर ओद्दी के पास ना आ रहा था, जैसे ये ओद्दी है जो डब्बों पे होती है ना ट्रक ड्राइवर, तो उसने देखा अभी सांप आया, फन उठा के खड़ा हो गया, तो फिर वो ओद्दी के नीचे घुस गया, पास में ट्रैक्टर चल रहा था उसका, फिर हीरो छोड़ कर टीलर जोड़ कर ओद्दी पहाड़ी, फिर वो सांप निकला। दूर हो जाओ भाई, तो अभी सभी को कहा गया दूर होने के लिए, क्योंकि इसका ये नहीं पता ये किस साइड में जाएगा, स्पीड में काफ़ी और पानी में तैरता हुआ गुस्से में है ये सांप। सतीश पूरी आंगन में है सांप, तो अभी इसको निकाला गया है, ठंडा इसको किया गया है, और अभी ओ हो सतीश थोड़ा ध्यान से पूरे गुस्से में है, पूरे गुस्से में है, काटने की फिराक में है। देखिए पानी में ना डालते तो और भी गुस्से में था, थोड़ा ध्यान से देखिए, काटने की फिराक में पूरा गुस्से में है ये सांप। और यहाँ देखिए अभी तक इसकी
फू फू की आवाज़ आती, पूरा गुस्से में है यार। इनको कहाँ बक्से था ये? अगर ना ना छोड़ो, ये तो इसकी यदि कोशिश भी करते हैं ना मारने की तो काट जाते हैं एक दूसरे को। वैसे भी काम करते हैं, हाथ पैर लग जाते हैं नजदीक, बिल्कुल तो छोड़ के काट लेता। तो देखिए अभी इसको शांत किया गया थोड़ा सा। ओ चूहे हैं, चूहे इसके मुंह से, दो चूहे इसके मुंह से निकले हैं और चूहों को जो है निगल लिया था इसने, सांप ने। और ये दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि ये अच्छा अंदर ही काबू करोगे? नहीं, इसने दो, तो ये दो चूहे जो इसने निकले थे यूं के यूं पूरे, और इसीलिए थोड़ा गुस्से में था। अब डर के मारे इसने चूहों को यहाँ बाहर निकल दिया है करने के लिए। और अब अपने आप को ये तैयार कर रहा है। देखिए पानी के अंदर पूरा गुस्से में है, पूरा गुस्से में है कोबरा। ये खतरनाक कोबरे जो आपके आस पास जो है लगातार नज़र आते हुए, तो तस्वीरों को शेयर करें, बचाव जरूर रखें करके, आस पास सफाई रखें, और भीड़ भीड़ के इलाके का जो है किसी भी प्रकार से आप वहाँ न जाएं। और फैक्ट्रियाँ जिस प्रकार से इस एरिया में बढ़ रही हैं, कोबरा की जो संख्या है वो भी लगातार यहाँ बढ़ती हुई। और निगाह जी की बात बता दूं, अगर भाई अगर आपको कोई चीज़ ये लगा भाई कोई सी खरोंच के निशान है, दांत के निशान है, अगर कुछ भी ना दिखाई दे तो वहाँ ढूंढ ले भाई कोई ऐसी, क्योंकि अभी एक बोंगरा गाँव है जींद में, वहाँ एक ऐसी घटना घट गई है। रसोई में थी एक और, तो कुछ सामान लेने गई तो वहाँ लकड़ियाँ रखी थी, उसको कुछ लगा भाई, कुछ लग गया, खून आ गए, आधे घंटे बाद उसको है ना सांस में दिक्कत होगी, प्लग गिर गई, जब जाके वो लकड़ियाँ उठाई देखा सांप मिला। तो कई बार ये सांप इतनी फुर्ती में काटा, काट के पीछे हट जाए। अच्छा जी, सामान में छुपा बैठा हो, काट के पीछे हो जाए। कोशिश कर रहा था काटने की पूरी, पूरी हाँ, जो हम भिटोड़ा बोला ना गिरा गोबर के उपले वंजन से, मैं उसमें भी थोड़ा सा मुँह निकाल के रखा है, आदमी ने पता ही नहीं चल जाके काट के बारे निकाला इसने। ये तो अपने आप को एक्टिव करने के लिए निकाल लिया है ताकि ये भाग सके। चूहे के बच्चे हैं? हाँ हाँ, चूहे हैं पूरे, दो 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 पूरे निकल दिए। हाँ, तो देखिए पूरा तैयार है, फू फू की आवाज़ है, और देखिए अपने आप को इस ने रिलैक्स कर लिया है और तैयार करते हुए फन मारने की कोशिश में है, और हवा इसने अपने अंदर भर ली है, कोशिश कर रहा है कि काटने की। कोई भी यदि व्यक्ति इसके आगे आता है तो इसको नहीं बख्सेगा, लेकिन काफ़ी खतरनाक है, अपने अंदर पूरी हवा भरे हुए। सतीश भाई आज तो ये तो खतरनाक सांप है, इसे तो दूर ही रहना पड़ेगा। खतरनाक सांप है? हाँ ये खतरनाक है, पानी के अंदर डालने के बाद भी पूरी, अगर पानी में ना डालते तो ये काट देता। अभी क्या करेंगे? अच्छा तो अभी इसका सिस्टम तैयार करते हुए पाइप के बिल के बना करके इसको अंदर डाला जाएगा। दूर हो जाओ, ये खतरनाक है सांप, ये छुट के आना मुश्किल हो जाएगी। अभी देखिए किस प्रकार से उठाते ही काटने की कोशिश इसकी लगातार जारी। और सतीश ने छोड़िए ना मेरा भाई, छोड़िए ना, ये कदी अड़े टांग का खड़े हो जाए। और देखिए किस प्रकार से फूं फूं की आवाज़ के साथ पूरा गुस्से में, और अभी सतीश इसको काबू करते हो। सतीश थोड़ा ध्यान से, आज ये खतरनाक सांप है, ये उसी तरह का सांप है ना। तो देखिए अभी बिल में जाने की कोशिश इसको समझाते हुए कि आप अपने बिल में चले जाओ नाग देवता, लेकिन गुस्से में है सांप अभी तक। इसने अपना जो चूहे वो भी, ओहो पूरा सू सू की आवाज़ जो आपको नज़र आती हुई जाएगा 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 जाएगा। कोशिश में है काटने की पूरा अपने आप को, एक मिनट फ़ोन बंद करना भाई, पूरा अपने आप को जो है एक्टिव करता हुआ, और अंदर जो है अभी इसको सकुशल भेजने की कोशिश। भाई फ़ोन बंद कर दे, अगले का ध्यान बटे, अगला ध्यान बट जाए। तो अभी कोशिश में आराम से कि रिलैक्स करके इसको अंदर बिल के तरीके से जाने की, और गुस्से में है, कुछ नहीं कहा जा सकता, जाएगा नहीं, काफ़ी क्रोध में है ये सांप। और सतीश का भी आज सतीश पूरा जोर लग गया भाई, है हाँ, तो भाई पूरा दूसरा लेके आओगे? कोशिश कर रहा है ये सतीश, थोड़ा ध्यान से, आज ये खतरनाक है सांप, ये तो आज इनको कर धंधा काम इनका। देखिए काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज काफ़ी गुस्से में है ये सांप, आक्रामक है, और सतीश इसको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ ज्यों की त्यों इसकी आती हुई, उसके तो पास आने से भी डर लगने लग रहा है। सतीश ये तो पूरा गुस्से में, के चक्कर हो रहा है इसके इलाज,
सतीश दूर भाई दूर। तो अभी पूरा अनुभव के साथ कोशिश करते हुए सतीश काफी नजदीक है, सतीश काफी नजदीक है। पाइप दूसरा ले आओगे? चार पाइप दूसरा लगाओ, नहीं डाल दे इसके अंदर, अभी डाल दे अभी इसके अंदर ही। पूरा गुस्से में है नाग देवता। और देखिए जैसे ही मामूली सा भी इसको महसूस हो रहा है, जब भी जो है शों की आवाज़ से अंदर जाने का जो है नाम नहीं ले रहे नाग देवता। खतरनाक ये सांप कोबरा, किंग कोबरा। हाँ ये थोड़ा सा खुला है, थोड़ा और कोणा इंची पाइप ले आना भाई। और देखिए दिखाना चाहूँगा कि पूरा गुस्से में ये कोबरा, और अभी इसको ये अभी अपना अनुभव के हिसाब से जो है उसको समझाते हुए कि आप अंदर चले जाओ, और बड़ी मुश्किल से जो है इसको काबू यहाँ किया जा रहा है। ये दूसरा पाइप का टुकड़ा निकाल दो बार सतीश। और ये चले गए नाग देवता अंदर, गुस्से में है काफ़ी, आवाज़ अभी तक यूँ की यूँ आती हुई, और ये जाते हुए और सैकुशल इसको काबू कर लिया गया। आज काफ़ी रिस्क था सतीश इस सांप में। मुझे देखो तजुर्बा ना हो तो फिर आदमी के हाथ पाँव फूल जाते हैं, तो फूल गया तो वैसे ही करता था काम। और ये वाकई खतरनाक था और जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन किसी तरह फिर अपने यंत्र तंत्र के जरिए इसको अंदर डाला। तो देखिए आवाज़ जो है इसकी आप साफ साफ सुन सकते हैं। शांत हो जाए तो अभी पूरी फुंकार की आवाज़, और इसको पानी में गीला करते हुए, और काफ़ी रिलीफ इनको मिला है। यदि कोशिश की जाती इसको मारने की तो ये चोट कर सकता था 101%, और करता भी, क्योंकि बहुत सतर्क था ये सांप। तो अभी क्या जानकारी सतीश देंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और ये चूहे जो उसके पेट के अंदर थे वो इसने निकल दिए, इनको क्या चेतावनी इन लोगों को जो काम करते हैं? फैक्ट्री में कोई भी सामान रखा हो तो सावधानी से जूते डाल के और थोड़ा सा किसी औजार के साथ ही सामान को उठाए। भीड़ भाड़ में कोई सामान रखा हो, अगर आपको आसपास सांप के चलने की लकीरें दिखाई दे या एक दो दिन पहले सांप देखा हो तो, और आसपास खुली जगह हो और सिर्फ फैक्ट्री वही हो छुपने की जगह हो, तो मतलब सावधानी से ही काम करें, सांप आसानी से जगह छोड़ के नहीं जाते। लाइव तस्वीरें शेयर करें, सतर्क रहें, क्योंकि सांप हो चुके हैं लगातार एक्टिव, और सैकुशली से कर लिया गया काबू, और भी जंगल में छोड़ा जाएगा। चलो सरकार।